वजह जब है जो गर्मी ना हो। बढ़िया छोटा सा ऐसा लग रहा चांद निकले आए के सिर पे। अब हम गाड़ी से आ गए यहाँ पे बाहर, अब हम यहाँ खड़े होंगे, खड़ा खाना खाएंगे जो होता है खड़ा खाना। आज खड़े गांव से आ रही हूँ, नहीं कहते खड़े गांव से आ रहे हैं, खड़ा खाना खाते हैं। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग में। हो चुका है एक और खूबसूरत सा दिन शुरू, सामन है ख़त्म, ओण का नाम भी नहीं ले रहा। सामन का मजा जब है जब गर्मी ना हो। बढ़िया, दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जा तो मतलब ठंडक बनी रहे, कहने का मतलब ये है। मैं भी होना चाहती हूँ जैसा और जगह पर काम हो रहा है, बाड़ा दिल्ली में भी आ जा, लेकिन हाँ मौसम अच्छा रहना चाहिए, बस इतनी रिक्वेस्ट है भगवान जी। एक अच्छे मौसम के साथ एक अच्छा मूड अपने आप आ जाता है, और एक सड़ी गर्मी के साथ अच्छा खासा मूड भी ख़राब हो जाता है। तो वही फ़िलहाल उठ चुकी हूँ, काव्यांश भी इधर हो चुका है रेडी, और ये स्कूल के लिए इसने अपना नाश्ता भी कर लिया है, थोड़ा बहुत ये खा पी के जाता है, क्योंकि मेरी माँ का आग्रह है अग जी ना घरा रोटी ना बाहर रोटी, तो हमेशा घर से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा के ज़रूर जाना चाहिए आपको, तभी आपको बाहर नसीब होता है ऐसा माना जाता है। तो और बड़े अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं तो इट मीन्स वो सही ही होगा, बिल्कुल ठीक होगा। तो भाई फिलहाल हमारे यहाँ पे है, जैसे कि मैं बात कर रही थी आपसे मौसम की, फैन बंद कर रही थी, तो यहाँ पे मौसम हो रखा है ओसम, दिखाऊं आपको, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, सुबह सुबह दिल खुश करने वाला। आज इसीलिए मेरा मूड इतना अच्छा है कि सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। हल्की हल्की सी रिमझिम बारिश हुई थी और अब इतनी बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, बहुत बढ़िया मौसम। काव्यांश 7:30 होने वाले हैं, जल्दी से शूज़ पहन ले, ये भी मेरे साथ मौसम देखने चला गया है। तो चलिए अभी कर देती हूँ काव्यांश को कंप्लीट रेडी और इसको बाय बाय करते हैं स्कूल के लिए, शूज़ नहीं पहने अभी आपने, और इसको फिर बाय बाय कर देते हैं, ठीक है? और हाँ पीछे देखो, राधे राधे, जय श्री श्याम। किसी ने नहीं बोला ना मेरे को राधे राधे, मैंने बोला सबको पहले राधे राधे। गया भाई मेरा लाल हो गया। ये भाई काव्या और मम्मी आ चुके हैं कटिंग करा के, और काव्या देखो कितनी प्यारी लग रही है, छोटा सा ऐसा लग रहा चांद निकले आए के सिर पे। है ना काव्या, प्यारे लग रहे हो आप तो, गंजू से बच्चे। मजा आया कटिंग करा के? चलो फिर तो चलो घर चलते हैं। भाई अभी आई थी शाम को मैं मार्केट, और मैं भूल गई कि आज बुधवार है, बुधवार के दिन आधी मार्केट तकरीबन बंद रहती है, पर आज तो कुछ पूरी ही बंद है, तो गुगली हो गई। मेरे को सूट उट लेने थे सिस्टर के लिए, एक दो काम अपने भी थे, पर अब फंस गई हूँ आके, क्योंकि आधे से ज़्यादा दुकानें बंद है। अब देखते हैं जिस शॉप पर मुझे काम था वो खुली है या नहीं, चलो चलें। मैं जाती हूँ, वो तो आज बंद है पर दूसरी दुकान खुली हुई है, तो उस पर चलते हैं, उससे भी कभी कभार ले लेती हूँ। गर्मी में बुरा हाल, जिसमें मौसम काफ़ी अच्छा है आज उसके बावजूद। लो भाई, अब बाजार बाजार से तो आ गई थी, सारा काम निमट गया था, लेकिन बच्चों को लगी चुन और बोले कुछ खाना है बाहर का। तो बाहर का हमारे यहाँ की एक बड़ी फेमस शॉप है, जिसपे आपको ना जैसे कोई अगर एग लवर है, अंडा खाना बड़ा पसंद है किसी को, तो उसके अंदर हर तरह की डिफरेंट वैरायटीज आपको मिल जाएगी खाने के लिए, बहुत तरह की। तो बस तो वही खाने अब हम बाहर आ चुके हैं, गाड़ी में हम कर रहे हैं वेट, मिस्टर मलिक गए हुए हैं लेने के लिए इन दो चटोरी बच्चों के। अब हम गाड़ी से आ गए यहाँ पे बाहर, अब हम यहाँ खड़े होके खड़ा खाना खाएंगे जो होता है खड़ा खाना। आज खड़े गांव से आ रही हूँ, नहीं कहते खड़े गांव से आ रहे हैं, खड़ा खाना खाते हैं हम। नानी भी कहती है खड़े गांव से आ रही है, बैठ जाने। चलो देखते हैं क्या क्या मंगाते हैं। अभी मेरी तो आ चुकी है एग आमलेट, खाते हैं बताते हैं कैसी है। ये देखो बड़े डिफरेंट तरीके से, आपको सिर्फ ये तरीका यही मिलेगा, और ये लड़का देख रहे हैं।
लो भाई आइसक्रीम आइसक्रीम खा के खाते हुए आ गए थे घर। काव्या को हम छोड़ गए थे घर पे ही, क्योंकि वो भी अपने चाचा के साथ गई हुई थी, तो हमें भी मौका अच्छा मिल गया, इसलिए अकेले खा पी के घर पहुंच गए हैं। तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग जिसमें मार्केट और खाना पीना, ठीक है भाई। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में। और आप भी बताना कौन सी तीज मनाने लग रहे हो। पिछली वाली तो इस तरह गई कावड़, तो उस वाली शिवरात्रि पर चढ़ गई, और तीज इस महीने की मनाने लग रही है। मेरा अंत्योहार हो के गया है, समझ ही नहीं आता कब कौन सा कैसी है, इसीलिए तो क्रेज खत्म होता जा रहा है फेस्टिवल्स का। इतने सारे फेस्टिवल हो जाते हैं, हर त्योहार दो दो बार होता है, इतना पैसा किसके पास है रे, और इतना समय भी किसके पास है रे बाबा। चलिए भाई ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।